2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत को लेकर मुंबई में महाराष्ट्र शहरी प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। मुंबई और महाराष्ट्र में उपस्थित राजपूत समाज को आमंत्रित किया, जिसमें सुमेर सिंह चौहान, श्रवण सिंह, हिम्मत सिंह दांतेवाड़ा, चंदन सिंह मीठली, महेंद्र सिंह सोढ़ा, संदेश दुर्गवले उपस्थित रहे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने रखी है, उसका मुख्य कारण है कि 2 अप्रैल को जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर द्वारा केसरिया महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए हमारी कुछ मांगे हैं, जिसके मांग के तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब जो है, इस सभी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। उसके बाबत 2 अप्रैल में जो कार्यक्रम रखे गए, उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो 2 अप्रैल को क्या कार्यक्रम जो जयपुर में आयोजित किया गया है और क्या कुछ इस कार्यक्रम के रूप में? पिछले आप लगभग 7 सालों से अगर श्री राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर का अगर कामकाज देख रहे हैं, लगभग पूरे हिंदुस्तान में 22 राज्यों में श्री राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर राजपूत समाज के लिए काम कर रही है। अन्य जातियों के लिए भी श्री राष्ट्रीय राजपूत कमिश्नर हमेशा मांगे उठाती रही है। 2 अप्रैल को जो जयपुर में कार्यक्रम रखा जा रहा है, उसका नाम हमने केसरिया महापंचायत दिया है और उसमें हमारी कुछ मांगे हैं जो आरक्षण के लिए भी है। ईवीएस में 10% की जगह 14% करने की हमारी मुख्य मांग है और क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन में हमारे महापुरुषों के किसी के नाम से एक बोर्ड का गठन किया जाए, उसके बाबत ये सभी मांगे काफ़ी हैं जो मेरे पास अभी आपके सामने ये मांग पत्र है। तो टोटल हमारी 21 मांगे हैं उस कार्यक्रम में समाज के सामने और सरकार से मांग की जाएगी, क्योंकि आप राजस्थान की अगर स्थिति देखी जाए तो जिसमें हमारा वहाँ पर इतनी हालत समाज की हुई है कि उस तरह भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से देखा जाए, अपराध बहुत बढ़ गया है, शिक्षा में वहाँ पर बहुत कमी है और सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और हमारे समाज के भी जो मुद्दे हैं उसके ऊपर भी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही, हल्के में ले रही है। आनंदपाल के टाइम जो मुकदमे हुए थे फर्जी एनकाउंटर में, हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं पर जो मुकदमे हुए, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब के ऊपर भी मुकदमे हैं और लगभग 12,000 लोगों को उसमें झूठे मुकदमे फंसाया गया था उस आंदोलन के दौरान, वो सभी मुद्दे जो है मुकदमे वापस लेने के लिए वो भी हमारी इसमें मांग है। दूसरा, महापुरुषों के ऊपर जो फिल्मों द्वारा या फिर अन्य चीज़ों द्वारा जो महापुरुषों को तोड़ मरोड़ कर उनके ऊपर कहानियां बनाकर जो पेश करते हैं, उसके ऊपर भी सरकार कठोर कार्रवाई करे या उसके ऊपर कानून लाए, उसके ऊपर हमारी वह मांग है उसमें। दूसरा, राजपूत समाज अगर कहीं पे भी कोई मांग रखता है या प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर जल्दी मुकदमे डाल दिए जाते हैं और लोगों को फंसाया जाता है। पद्मावत में भी देखे जाए तो जो हमारे लोगों ने आंदोलन किया था तो कई लोगों ऊपर आज भी मुकदमे हैं, वो भी हमारी वापस लेने की मांग है। और मैं पूरे समाज से जो 22 राज्यों में राजपूत समाज करणी सेना से जुड़ा हुआ है, अन्य राज्यों में भी बहुत हमारा समाज है, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना 2 अप्रैल को हमारा जो कार्यक्रम केसरिया महापंचायत रखा गया है उसमें आप सभी साक्षी बने और समाज की ताकत सरकार को दिखाए और आप सभी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचकर इस केसरिया महापंचायत को सफल बनाए। तो इस केसरिया महापंचायत पे क्या करणी सेना की पूरी टीम ही होगी या फिर और भी लोग इसमें इनवाइट किए गए हैं, मौजूद होंगे? करणी सेना की टीम ऐसा नहीं है, करणी सेना एक संगठन है जिसमें समाज जुड़ा हुआ है और हमने सभी जितने भी राजपूत समाज के संगठन है सबको आमंत्रित किया है और सभी संगठन इसमें सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब के जो नेतृत्व में जो आयोजन किया जा रहा है, इसको सभी लोग आकर इसको सफल बनाएंगे और अपनी मांग मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे। तो क्या राजपूत समाज ही होंगे या फिर सब समाज के लोगों को यहाँ पर उपस्थिति देखी जाएगी? 99% जो हमने ये जो आयोजन किया है वो राजपूत समाज के लिए किया है, बाकी अन्य समाज तो राजपूत समाज के साथ जुड़ा हुआ ही है और वो सभी हमारे जब कोई कार्यक्रम करणी सेना के होते हैं तो सभी समाज के लोग उसमें आमंत्रित होते ही और वो लोग हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमारी ताकत को और मजबूत करते हैं। तो केसरिया किस तरह से जयपुर में लहराएगा और क्या लगता है जो आपकी मांगे हैं वो सरकार किस तरह से सुनेगी? क्या भाग कोई किसी पार्टी के नेता भी वहां पर होंगे जिनको इन्विटेशन दिया गया हो आपके करणी सेना की तरफ से? नहीं, राजपूत समाज के जो नेता हैं जो बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, उन सभी को निमंत्रण दिया है
और सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। और जो अन्य नेता हैं जो समाज के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, जो समाज के लिए हमेशा आंदोलन करते हैं या समाज की मांगों को रखते हैं, उनको सबको आमंत्रित किया है और वो लोग सभी उपस्थित रहेंगे। लगभग लाखों की संख्या में वहाँ लोग रहेंगे। और मैं मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किए मैंने कि मुंबई में जो हमारे राजपूत समाज है, महाराष्ट्र में, मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमता हूँ, तो पूरे महाराष्ट्र से भी और मुंबई समेत हजारों की संख्या में यहाँ से भी लोग वहाँ पहुँचेंगे और इसमें सब साक्षी बनेंगे। तो कैसी तैयारी होगी वहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पूरे भारत से लोग कोने कोने से अगर पहुँच रहे, तो तैयारी वहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं की गई है लोगों के लिए? और लोगों के लिए सभी व्यवस्था, जो एक आंदोलन एक प्रोग्राम के लिए जो एक समाज वहाँ इकट्ठा होता है, तो जो व्यवस्था होनी चाहिए सभी वहाँ पे की गई है। और 2 अप्रैल को सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे और विद्याधर नगर जो स्टेडियम है वो स्टेडियम में आयोजन होगा और वो स्टेडियम भी कम पड़ जाएगा, इतनी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। तो आपने कहा कि जितने भी राजपूत हैं सबको आप इनवाइट कर रहे हैं, तो अगर जितने भी राजपूत वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो क्या उनको कुछ आपसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा या वो इस प्रोग्राम में ऐसे भी शामिल हो सकते हैं? नहीं, कॉन्टेक्स्ट की ऐसी बात ही नहीं, हमारी व्यवस्था की गई है। लगभग जहाँ जहाँ जो जिले में जिला अध्यक्ष है उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है और जो बसों की व्यवस्था है, ट्रेन की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था की गई है। और नंबर भी हमने स्प्रेड कर दिए हैं कि कौन से जिले में कौन से आदमी से कांटेक्ट करना है और किस व्यवस्था में पहुँचना है। महाराष्ट्र मुंबई प्रदेश अध्यक्ष है, तो महाराष्ट्र मुंबई से कितने लोग हैं जो वहाँ जयपुर में पहुँचने वाले हैं 2 अप्रैल को, आपकी तरफ से कैसी तैयारी? मुंबई से हमारे लोगों के जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है और बाकी जिलों से जो महाराष्ट्र के अदर जिले हैं वहाँ से भी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं और जो ट्रेन की सुविधा है जहाँ से, वो ट्रेन से लोग पहुँचेंगे और सभी की व्यवस्था सबके कंफर्म कर दिए गए हैं उस हिसाब से। और हर जिले में हमारे महाराष्ट्र में लगभग 10 लोगों के नंबर हमने स्प्रेड किए हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे और वो लोग पहुँचेंगे वहाँ। और आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं राजपूत समाज से बस ये इतना ही कहूँगा, जितने भी लोग हमारे मुंबई महाराष्ट्र में उपस्थित है या अन्य राज्य में उपस्थित है, 2 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। और श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे समाज की सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा घर त्याग दिया अपने समाज के लिए, वो महीने के अपने 28 दिन समाज के लिए दौड़ते और 2 दिन घर पे जाते रहेंगे। और मैं सभी से निवेदन करूँगा कि उनका जो काम है उसका 1% भी अगर हम लोग वहाँ करेंगे, एक दिन अगर समाज के लिए निकालेंगे, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी साहब की ताकत बढ़ेगी, वो और मजबूत होंगे और हमारी समाज की जो मांगे हैं और मजबूती से वो सरकार से सामने मांग रखेंगे।